आज के वीडियो में हम एक ऐसा सोप आपके साथ शेयर करने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी का, जो आपकी स्किन की को टाइटनिंग, वाइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट तो देगा ही, इसके साथ ही आपकी इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम अगर स्किन में है तो उसको भी दूर करेगा, साथ ही पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम को, दाग धब्बों को भी दूर करेगा और आपके स्किन से ऑयल को बैलेंस करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सोप कैसे बनाते हैं। हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में लगाने वाला एक घरेलू सोप, जिसको कि आप घर में बैठे बैठे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी को मैंने क्रश करके इस तरह से बना लिया है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी को रात में रोज़ वाटर में भिगो सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने दही लिया है, घर का दही है ये। उसके साथ ही मैंने टर्मरिक ली है, हल्दी और थोड़ा सा चंदन पाउडर। आप हल्दी तो आपको घर में मिल जाएगी, अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर चंदन पाउडर के भी बना सकते हैं। उसके साथ ही मैंने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि आपकी सोप को प्रिजर्व करेगा, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ग्लिसरिन भी डाल सकते हैं। तो चलिए सोप कैसे बनाते हैं ये स्टार्ट करती हूँ मैं। मैंने पाउडर लेना है, एक बाउल में आप ले लें इस तरह से, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ये लिया है। थोड़ा सा हमने डालना है चंदन का पाउडर और थोड़ा सा टर्मरिक। चंदन पाउडर आपके स्किन से पिंपल्स और दाग धब्बों के निशान को कम करेगा, और हल्दी एंटीसेप्टिक है तो हल्दी का यूज़ आप ज़रूर करें। इसके साथ ही मुल्तानी मिट्टी के बारे में आपको पता ही है, मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उनको टाइट करता है, और हमारे स्किन को लाइट करके वाइटनिंग इफेक्ट देता है। और इसके साथ अब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ ये दही, इसको दही में हम मिक्स करके एक सोप तैयार करने वाले हैं। तो आप इस तरह से इसमें इतना दही डालें जिससे कि ये आपका पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और ये जो मिक्स करना है इसको गाढ़ा गाढ़ा सा करना। ये सोप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके त्वचा संबंधित कई परेशानियों को भी दूर करेगा, जैसे इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी इस सोप को यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही आपके एज के इफेक्ट को भी कम करेगा, यानी रिंकल्स वगैरह से भी ये आपको दूर रखने वाला है। अच्छी तरह से आपने मिलाना है, मिलने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ये देखिए। इस सोप का बहुत अच्छा यूज़ है आपके लिए, गर्मियाँ आ रही हैं तो ये आप सोप तो आपको ठंडक देगा, और आप इसको पूरे फेस के साथ साथ बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन डालूँगी। अगर ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ज़्यादा ग्लिसरीन डाल लें, मैं यहाँ पर ऑल स्किन टाइप बना रही हूँ, इसे कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई, ऑयली और किसी भी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप अच्छी तरह से मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ये और हार्ड हो जाएगा। अब ये जो बन गया हमारा, इस पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और अब हमने क्या करना है, एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है इस तरह से, और कैप्सूल को आप इस तरह से फोड़ दें, इसमें विटामिन ई का गुण भी आ जाएगा। विटामिन ई आपके स्किन में स्किन को लाइट करके आपके स्किन को वाइट तो करता ही है, इसके साथ ही एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, और आपका आपकी जो ये सोप है करीब 20 से 25 दिन या फिर आप महीने भर ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हमने ऐसे गिरा लेना है, और इसको पूरे ऐसे बाउल में ऐसे लगा दीजिए आप, और फिर इसको इसमें अच्छी तरह से डाल दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये 100% वर्क करता है, ये आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। सेंसिटिव स्किन वाले के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, ये आपके स्किन से पिंपल्स वगैरह को दूर करके स्किन टाइटनिंग भी करता है। कि ये सोप तैयार हो गई, आप इसको एक दो इसको थोड़ा से आप धूप में रख दें ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल केक की तरह बाहर आ जाएगा, इसको इस तरह से जब आप करेंगे तो केक की तरह ये बाहर आ जाएगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है ना, तो आप इसको इस तरह से करते हैं तो इस तरह से ये निकल जाएगा। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, अपने फेस पे हल्का सा इसको डिप करिए पानी में, और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको ऐसे लगाना है, इसके बाद आपको इस तरह से
फेस पे, बॉडी पे, आपको जैसे भी लगाना है आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला मैंने जो कि आपके किचन में अवेलेबल ना हो, हर चीज़ आपको अपनी किचन से मिल जाएगी। जो चीज़ ना मिले आप उसको ना डालें, आप सिर्फ दही और मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक डाल के आप यूज़ कर लें। इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लें आप इसको, उसके बाद इसको मैं दिखाती हूँ पानी से धोकर। काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये स्किन पे, हमारी इचिंग प्रॉब्लम को तो दूर करता है, इसके साथ साथ हमारी स्किन को लाइट करके उसको रिंकल्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है और ऑयल को भी कम करता है, जिससे पिंपल्स और मुहासे भी कम होते हैं। इस वाले हाथ में मैंने लगाया है सॉप, ये और ये, में दोनों में कितना फ़र्क है। तो आप इसको पूरी गर्मी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये आपकी स्किन पे वर्क करेगा, स्किन वाइटनिंग, लाइटनिंग, दाग धब्बे सब हटाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी केमिकल इसमें नहीं है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बगैर केमिकल का। ये सॉप आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।